प्रयाग के राज्यपाल बनने के बाद पहली बार रमेश बैस रायपुर पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर उनका बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्हें पर लेने के लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, पूर्व मंत्री राजेश मोड़क, गौशी चंद सुंदरानी, नारायण चंदेल समेत कई नेता और पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। मौके पर रमेश बैस ने कहा है कि मैं हमेशा से ही कहता था कि पार्टी जो भी निर्देश देगी मैं उसका पालन करूंगा। मुझे त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है, मैं इस पद के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करूंगा। नियुक्त राज्यपाल रमेश बैस छत्तीसगढ़ पहुंचे और उनका भव्य स्वागत यहां पर किया गया है। सर, पहले तो बहुत सारी आपको शुभकामनाएं, बधाई। धन्यवाद। किस तरीके से जानकारी मिली तो आपको राज्यपाल बनाया गया? मोदी जी का फोन आया रात को 2 कि बैस जी, पार्टी आपको कुछ जवाबदारी देने की सोच रही है। मैंने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी मुझको जो भी आदेश करेगी मैं उसका पालन करूंगा। बोले 2-3 दिन में पता लग जाएगा आपको क्या मिलने वाला है। और कौन क्या आपकी जानकारी में थी कि क्या मेरे, मेरी कोई जानकारी में नहीं थी कि जवाबदारी क्या है, कि संगठन में भी हो सकता है और कोई राज्यपाल का भी हो सकता है, राज्यसभा का मेंबर भी बना सकते थे। आपने एक बात कही कि सब्र का फल मीठा होता है। जी हाँ, हमेशा सब्र का फल मीठा होता है और जो आज प्रमाणित हो गया है। राजनीति में कोई अंतिम नहीं होता? हाँ, राजनीति में कोई अंतिम नहीं होता। कोई टिकट कट जाए और सोचे कि मेरा खत्म हो गया, वो गलत सोच है। राजनीति में उतार चढ़ाव होता है और इसीलिए जब उतार होता है तो कार्यकर्ता को निराश नहीं होना चाहिए और जब कोई पद मिलता है तो खुशी भी नहीं होनी चाहिए। ये थे त्रिपुरा के नवनियुक्त राज्यपाल बनाए गए हैं रमेश बैस। छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, खासतौर पर बीजेपी के भीतर। और हाल के लोकसभा चुनाव के दौरान जब रमेश बैस की टिकट कटी थी रायपुर लोकसभा सीट से, तो बीजेपी के भीतर और पॉलिटिकल सिनेरियो में चर्चा थी कि उनका पॉलिटिकल करियर अब लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं होता, रमेश बैस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कहते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही थी और उस जिम्मेदारी राज्यपाल के रूप में सामने आई है। रमेश बैस जल्द ही त्रिपुरा जाकर गवर्नर पद की शपथ लेंगे। कैमरामैन जगन्नाथ राव, आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।